إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له وشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكتاب الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فوز فوزا عظيما وقال النبي وقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار او كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما

आजकल आप जो हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट नजर आने लगा है बाज लोग आपको मुनकर हदीस नजर आने लगे हैं कुछ लोग जो है वो सुन्ना के हिसाब से कहते हैं कि उसकी ज़रूरत नहीं है कुरान काफ़ी है तो इस किस्म की जब थॉट्स आती हैं तो आपको बेसिकली चेक करना चाहिए यू हैव टू फैक्ट्स एक्चुअली हकीकत क्या बिकॉज दीन आपके और मेरे पास इन पचास साठ सालों तक है उसके बाद आप और मैं इस दुनिया से चले जाएंगे और उसके जाने के बाद आपके मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा तो खाली ये कह देना जैसे मैं अक्सर महफिलों में बैठता हूं तो वो कहते हैं कुरान काफ़ी है अब कुरान यकीन एक बहुत बड़ी अल्लाह की आखिरी वर्ड है बट मैं आपके साथ जो आज के डिस्कशन में डिस्कस करना चाहता हूं उसमें कुछ फैक्ट्स को आप अपने सामने रखें और उन फैक्ट्स की बुनियाद पे देखें कि कुरान सुनना और हदीस का आपस में हैंड इन हैंड कोऑर्डिनेशन क्या है ये आखिर ये किस तरह से सारी की सारी चीज़ जो है ना ये मटेरियलाइज होती है तो देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको जो बात बताऊं मैं कोशिश करूँगा स्टेप टू तो, स्टेप बाय स्टेप इस पे बात करें सबसे पहली बात यह कि अलियो मकमल लकुम दीनकुम वम तो वरदीतु वीत इस्लाम दीना नबी अक्रम सला वसम की हयात मुबारक के अंदर अल्लाह पाक ने दी इस्लाम को मुकम्मल किया दी और किताब अल्लाह को तमाम किया और अल्लाह ने इस्लाम को बहसीत दीन मुसलमानों के लिए और इंसानियत के लिए चुन लिया तो ये एक तयशुदा बात है कि दीन किसी ऐसी चीज़ का नाम है मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ ऐसी चीज़ का नाम है जो नबी अक्रम सल वसम के ज़माने में मुकम्मल हो गई और पूरी हो गई यानी अब अल्लाह जब कह रहे हैं तो लकुम तोल दीनकुम आज दीन इस्लाम मुकम्मल हो गया वम तो नेमती और कुरान तमाम हो गई वा इस्लाम दीना और मैंने दीन इस्लाम तुम सब के लिए चुन लिया तो इसका मतलब है कि ये आयतें कुरान की आयतें अल्लाह के नबी सलम की हयात तयबा के अंदर ये दीन मुकम्मल हो गया और कुरान मौजूद है अब इसके साथ अल्लाह पाक एक और जगह फरमाते हैं यपराम इस्लामी फला जो इस्लाम से हट के कोई मेरे पास चीज लेके आएगा वो नाकबिल कबूल होगी क्यामत के दिन और आखिरत में वो शख्स खसारे वाला होगा तो दो बातें समझ आ गई कि दीन एक ऐसी चीज़ है एक ऐसा मैनीफेस्टो कलाम एलाई या जो भी आप उसको नाम दें अल्लाह ने अपने नबी की जिंदगी में पूरा कर दिया फिर अल्लाह ने यह भी डिक्लेरेशन दे दी कि अगर इससे हट के कोई चीज लेके आओगे तो नाकाबिले को होगी और आखिरत में यह चीज तुम्हारे खसारे का सबब बन जाएगी तो अब डर की बात यह है कि मैं जो चीज़ दीन समझ के कर रहा हूं क्या यह दीन भी है कि नहीं खुदा ना खास्ता यह ना हो कि मैं अपनी तरफ से जो चीज़ दीन को समझ के दीन समझ के कर रहा हूं कल कयामत को जब अल्लाह के सामने जाऊं और वो उस चीज का हिस्सा ही ना हो अब सवाल यह है कि इसी कुरान के अंदर अब मैं आपको कॉर्डिनेशन बताता हूं कि दीन Quran, और हदीस का आपस में एक, है है। एक दूसरे से जुदा करना मिसाल के पे के रसूल को की जो आयात नाजिल होती थी नंबर वन नबी अक्रम सो कुरान अता किया गया वो सारा का सारा अल्लाह का वही है सब का सब यानी अलिफलाम से लेकर और वन्नास तक जो है वो सब का सब वही है बल्कि अलहम से लेके वनाज तक जो है वो सारा का सारा वही है अल्लाह की तरफ से वही है और इस वही के अंदर अल्लाह पाक ने एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं किया कि कुछ और चीज इसमें ऐड की कुरने पाक का अल्लाह ताला ने जो इन इन आयत का जिम्मा ले रखा है कि इसमें कोई जो है चेंजेस नहीं आ सकते और यही वजह कि चौदह साल में इसमें जेर जबर का फर्क नहीं आया तो कुरने पाक अल्लाह के रसूल पे अल्लाह पाक ने बहसीत वही उतारा लेकिन सारी की सारी वही कुरान नहीं बनी इसके बाद इसके अलावा कई ऐसी चीजें थीं कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिखा हुआ उनको बताया गया लेकिन उस वक्त के हिसाब से वो कुरान का हिस्सा नहीं बनी तो सारा का सारा कुरान वही है लेकिन सारी की सारी वही कुरान नहीं है नंबर वन नंबर टू जो हदीस कुरान और सुना का जो रिश्ता है अल्लाह के रसूल ने वो हमें इस तरह से समझाया कि कुरान अजमाली नक्शा पेश करता है अगर आप एक पढ़ने वाले को कुरान दे दें और आप उसको हदीस और सुन्नत ना बताएं तो वो उस पर पूरी तरह कैसे अमल करेगा क्योंकि नबी ने सल्लल्लाहु सल अल्लाह ने अपनी तेईस साल जिंदगी में कमो बेश में हर आयत जो आई उसको न सिर्फ अल्फाज में एक्सप्लेन किया बल्कि आका करीम सल्ला वे अमल से भी एक्सप्लन किया इसकी एक मिसाल ये कि कुरान जा बजा कहता है आकिम मसला नमाज पढ़ो पढ़ो नमाज पढ़ो अब सवाल ये कि अगर एक आदमी को आप कुरान पाक पढ़ाएं पढ़ाएं और आप उससे ये बोले कि नमाज पढ़ो तो पहली बात तो पूछेगा कि नमाज पढ़ू कैसे नमाज का तरीका तो कुरान में कहीं दर्ज नहीं है नमाज मैं आपको सिर्फ बताता हूं यानी कुरान सारा का सारा हक और आखिरी टेस्टमेंट लास्ट वर्ड अल्लाह का इसमें कोई दो बातें नहीं है लेकिन अल्लाह की इस किताब के अंदर अल्लाह ने अजमाली नक्शा पेश किया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत और हदीस से उसकी एक्सप्लेनेशन दी है जो वर्डली एक्सप्लेनेशन थी उसको हदीस कहते हैं जिसको अमलन किया उसको सुन्ना कहते हैं अब कुरान ये हुक्म दे रहा है आके मत नमाज पढ़ो अब सवाल यह कि मैं नमाज पढ़ू कैसे नंबर वन कब पढ़ू किस तरह पढ़ू कितनी रकात पढ़ू ये तो कोई डिटेल आपको नहीं मिलेगी तो इसकी सुनना मिलती है कि नबी ने नमाज पढ़ के बताई कि नमाज ऐसे पढ़ी जाती है तो ये आपकी सुनना है नबी ने नमाज का तरीका जो अमल से एक्सप्लेन किया वो नमाज पढ़ने का तरीका अब आप कुरान जा बजा को आपसे क्या पूरा कुरान पढ़ लें आपको कहीं कुरने पाक में नमाज पढ़ने का तरीका नहीं बताया जाएगा नबी ने अपनी जिंदगी में ये उस वक्त जब ये आयत उतर रही थी किलकुम दीनकुम वकम तोमनकमस्लाम दीना यह इनकापोरेटिड था नबी सल्लासम का सारा अमल उनकी अकवाल इनकॉपरेटिड थे और नमाज हुक्म अल्लाह हु का नबी के तरीके पैदा करनी मैं अपने तरीके से एक नमाज नहीं कि मैं कहूं कि चुके आके सला ने कहा पढ़ लू मैं एक अपनी तरीका ऐजा करके उस पर नमाज पढ़नी शुरू कर दूता फलायुकता अल्ला है अल्लाह के इस्लाम इस के तरीके से हट के कोई चीज लेके आओगे इस दीन इस्लाम से हट के कोई चीज लेके आओगे मैं कबूल ही नहीं करूंगा आखिरत में खसारे वालों में से बन जाओगे नुकसान उठाने वालों में से बन जाओगे तो अल्लाह की किताब जो अल्लाह ने नाजिल की इसका ताल्लुक सुन्नत और हदीस से इतना इतना यानी स्ट्रांगली एक दूसरे से इनकॉपरेटेड है कि कुरान पाक को पूरी तरह समझने के लिए हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करना होगा और हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल को देखना होगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या अकवाल अरसात फरमाए तो नमाज की मैंने आपको मिसाल दी कुरान कहता के मिसला तो जक जकत के बारे में बताया जकत की डिटेल आका करीम ने बताई रोजों की डिटेल आका करीम सल्लम ने बताई कुछ डिटेल अल्लाह ने कुरान में बनाया रास्तारी हुक्म अल्लाह ने अयाम मदुदात कह दिया अल्लाह ने अल्लाह ने तो उनतीस तीस दिन नहीं बोला अल्लाह ने तो बोला कि तुम पे मैंने रोजे फ़र्ज किए कमा कुन कब थोड़े गिनती के दिन अब ये गिनती के दिन कब आ रहे हैं ये गिनती के दिन किस महीने में आ रहे हैं इस गिनती के दिनों की तादाद उनतीस तीस है या गिनती के दिन दो महीने या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी कुरान पाक की एक्सप्लेनेशन है क्योंकि कुरान मैंने आपसे कहा अजमाली नक्शा पेश करता है एक आदमी कुरान खोल के बैठ जाए उसको बास हदायत अल्लाह की तरफ से नजर आती है बरत लेकिन आपको नबी अक्रम सला की सीरत तय्यबा का मुताला करना होगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कुरान तो अब ये एक बुनियादी चीज़ जो है आज के मुसलमानों में नजर आने लगी बाज़ लोग कहते हैं जी हम हम सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं अच्छा अब ये अच्छी बात है आप कुरान पाक पढ़ें लेकिन कुरान आपको ये भी कह रहे आती व आती और रसूल अल्लाह की अतात करो और अल्लाह के रसूल की इतात करो तो अल्लाह के रसूल की अतात पर क्या है कुरान अगर बाज़ लोगों का यह दावा कि हम सिर्फ कुरान फॉलो करते हैं तो सवाल यह कि नबी की अतात क्या है नबी तो आज आपके सामने नहीं है आती व आती रसूल आप अल्लाह और उसके रसूल की अतात करें तो फिर रसूल की एतात क्या हुई रसूल तो आज इस दुनिया से पर्दा फर मांगे और रसूल सल्ला की अगर एतात की जाएगी तो आज आपके सामने जो चीज मौजूद है या उनकी सुन्नत छोड़ी हुई और या वो अहादीस जो आका करीम की सही मुस्त है मुत्तफिक है उनको आप फॉलो करेंगे तो आती और रसूल वो एक्सप्लेन आपकी उसके अंदर आ गई तो कुरान बर रास्त अजमाली नक्शा पेश हाँ वादानियत का दंके की चोट पे चोट पे फरमाता है कि इस तरह से अल्लाह की अल्लाह की जो है ना अल्लाह वायद है अल्लाह अल्ला शरीक है अल्लाह का कोई हमसर नहीं ये कॉन्सेप्ट ईमानियात के हवाले से तो आ गया आमाल के हिसाब से आपको तमाम चीजों को आका करीम ने एक प्रैक्टिकल शक्ल दी जिस चीज को हवा ये, ये भी कुरान है कि ये नबी अपनी तरफ से कोई बात करते नहीं वही बोलते है जो वही की जाती है तो अब आप ये देखें कि नबी की सारी बातें तो कुरान नहीं बनी इसका मतलब है कि वो बातें जो नबी के दिल पे अल्का इल, की जाती थी या उनके जुबान से अदा हो जाती थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस की शक्ल में वो हमें बताई उन्होंने उन लोगों को जो दीन के अमानत दार लोग थे जैसे कुरान कुरान भी तो शुरू में सब ने कंपिलेशन नहीं हुई हाफिज कुरान थे जिन जिनको अल्लाह के रसूल बताते थे कि ये कुरानी आयतें हैं ऐसे सूरत में डाल लो वो हफाज होता था वो याद कर लेते थे उसको लिख लेते थे तो कुरान भी तो कंपाइल नहीं हो था इसी तरह आका करीम सो मुस्त असता बयान की कई अरसों के बाद जब लोग सारे बैठे उन्होंने नबीम के अकवाल को जमा किया और आप यकीन माने की हदीस एक ऐसा साइंस है मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी साइंस है कि आप हैरान हो जाएंगे जिस जमाने में ना कंप्यूटर था जिस जमाने में ना कोई ऐसी टेक्नोलॉजी थी उस वक्त अल्लाह पाक ने लोगों के वसल्लम के वो अकवाल को जिंदा रखा कम्पाइल किया उसको कैटेगराइज़ किया उसकी सही और मुस्त आदीस जहां पे कई मामूली सा शक और शक जो होता था वह कौल में नहीं होता था रसला के रसूल के बयान करने वाले के बयान में शक महसूस हुआ था उसको निकाल लेते क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जिस शख्स ने मेरे बारे में कोई ऐसी बात बोली जो मैंने नहीं बोली तो उसका ठिकाना जहन्नुम में और तलाश कर ले मेरे बारे में अगर एक इंसान ने कोई ऐसी बात बोली जो मैंने नहीं बोली तो वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश कर ले मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं ये आजकल के जो एक एक नया ट्रेंड जो चला है एक ट्रेंड आपको नजर आएगा जो आपसे बोलेगा कि बड़ी अजीब बात है वो ये वो ट्रेंड है वो कहते हैं कि जी हम बड़े स्पिरिचुअल लोग हैं हमें तो शरीयत की जरूरत नहीं है ये एक तबका आपको ये कहता मिलेगा कि हम तो बड़े जो है ना स्पिरिचुअल लोग हैं हम दिल में ही सारी चीज़ें इबादत कर लेते हैं जबकि अल्लाह के रसूल ने दीन डेमॉन्स्ट्रेट करके बताया कुरान के पैरामीटर्स डिस्क्राइब करके बताए और सुन्नत और हदीस उसके साथ छोड़ के बताया ताकि तुम दीन पे चल सको तो एक तबका आपको ये कहता नजर आएगा वो वो उनको न नमाज की जरूरत है वो उन्होंने अपनी एक नए निकाल ली कुछ आपको नजर आएंगे जिन्होंने जिन्होंने अल्लाह माफ करे झूठे नबियों का दावा कर दिया आके। उन्होंने उन्होंने अल्लाह के रसूल के बाद जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा था नबी आने, आने वाला नहीं है मैं आखिरी नबी हूं नबी बादी और मेरे बाद कोई भी नहीं आएगा कुरान ने इसकी दलाल फरमाई मेरे रिजाल मोहम्मद तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं है वाला रसूल अल्लाह मगर अल्लाह के रसूल हैं वह खातम नबीन और तमाम नबूवतों का खात्मा करने वाले हैं यानी रसालत की कैपेसिटी में और नबूवत की कैपेसिटी में मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला तो उसके बाद एक ऐसा तबका भी लोग पैदा होगा जिन्होंने उसके बाद यानी झूठे नबी होने का दावा कर दिया इसके अलावा आपको जो चीज नजर आती है कि एक ऐसा तबका भी आ गया जो जो अपने आप को फॉलो करते हैं फॉलो करो बट इसी नबी आप गौर से पढ़ो आतीद आती। आत, करो उसके रसूल की तो रसूल की अताद क्या होगी कुरान तो आपके सामने है रसूल की अताद क्या होगी रसूल तो आपने देखी नहीं है तो रसूल की अताद क्या होगी आपसे ये पूछा जाए कि अल्लाह जो फरमा रहे कुछ नहीं बोलते मगर वो बोलते हैं वही करते हैं तो वो आप कैसे करेंगे आप नमाज कैसे पढ़ेंगे आप नमाज की रकात कैसे अगर आप सुन्नत और हदीस पे अमल नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कितनी रकात है आपको कैसे पता चलेगा कि नमाज पढ़ी कैसे जाती है आपको कैसे पता चलेगा कौन कौन सी नमाज किस किस वक्त में पढ़ी जाती है आपको कैसे पता चलेगा नमाज के मसाइल क्या है ये आपको सिर्फ और सिर्फ फकत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या हदीस से नजर आएगा और या सुन्नत से नजर आएगा आपको कैसे पता चलेगा कि कियम रोजे अल्लाह कह रहा है कुरान में गिनती के चंद दिन अल्लाह ने तो कहीं नहीं बोला कि उनतीस या तीस दिन है आपको कैसे पता चलेगा कि रमजान के अंदर उनतीस या तीस दिन के रोजे रखने आपको सुन्नत से ही पता चलेगा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसको स्टैब्लिश किया कि ये रमजान में ही होता है ये सारा कुछ आपको कैसे पता चलेगा कि रमजान के अनवरात क्या होते हैं आप हज के मनासि हज उठा के दे आपको कैसे पता चलेगा अल्लाह अल्ला के लिए हज के मुनासि कैसे होंगे पता चलेगी वो आपको के रसूल की। या सुनत से पता चलेगी चले आपको कैसे पता चलेगा कि जो और मसाइल हैं जो कुरान पाक ने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि कुरान अजमाली नक्शा पेश करता है आपको एक

वो आपको एकदम दीन से नहीं हटाता वो आपको एकदम दीन से नहीं निकालता वो आपको ये नहीं कहता नावजान छोड़ दो शुभात पैदा करता है शैतान का सबसे बड़ा काम है कि दीन के अंदर शक को शुभात पैदा करना और यह शैतान का काम है कि कुरान पाक को आप बगैर हदीस के और बगैर सुनना क्या आप कर सकते हैं नबी सल को कमो बेश तेईस साल अल्लाह ने उन लोगों में बिठा के इसलिए ये चीज पाक नाजिल किया तेईस साल में ताकि लोगों तक अल्लाह के नबी की अकवाल और सुनना दोनों पहुंचे वरना अल्लाह इस बात पर कादिर थे कि आसमान से कमांडमेंट्स की शक्ल में आए थे उतरती कहीं लिखी जाती उनको कहा जाता है पढ़ो मानना है कि नहीं मानते हो मैं सब जानता हूँ दिलों के हाल तुम मानने वाले हो गए तो कुरान को मान लो नहीं मानने वाले होंगे तो इसके इनकारी हो जाओगे आई मीन इमेजिन ये हाइपताटिकल दीन का जो आइडिया है ना ये इसलिए है कि इंसानों के दिल के अंदर शकु को शेबाध पैदा हो शैतान यही करता है आपको दीन, दीन से हटाने के लिए वो बर रास्त ये नहीं कहता कि अल्लाह का दीन छोड़ दो वो नहीं कहता किताब को छोड़ दो वो यही कहता है हाँ हदीस माननी है नहीं देखिए हदीस अल्लाह के रसूल ने जो बोली उसकी पूरी कंपाइलेशन हुई है फिर जिन बुजुर्गों ने किया आप यकीन माने अगर कब आप इस पर रिसर्च करें आप सरप्राइज होंगे आप यू विल नॉट बिलीव कि उस जमाने में कितनी एहतियात के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदीस को जमा किया गया ना सिर्फ जमा किया गया उनको क्लासिफाई किया गया इवन यानी दईफ हदीस के बारे में जाता है एक तो ना मऊदू मऊदू भी जो साबित हो चुकी हो क्या आका नहीं फरमाई तो उसको तो आप छोड़ दें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ये भी हदीस है कि जो चीज तुम्हें शक में डाल दे इमाम हसन रज़ी अल्लाह रजील्ला से मरवी है कि जो चीज तुम्हें शक में डाल दे उसको छोड़ दो और जो चीज बिल्कुल दो टोक हो उस पर अमल करो तो अल्लाह के रसूल ने हमें जो चीजें बताई हैं वो सुन्नत की शक्ल में जो एक्सप्लेनेशन कुरान की आती थी कुरान की आयत उतरती थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत की शक्ल में जो अदा होने वाली होती थी वो करके बताते थे जो चीज सुन्नत की शक्ल में नहीं होती थी एक्सप्लेनेशन मांगती थी वो आदिस की शक्ल में आका करीम वसल्लम अपने लोगों को बताते थे उम्मत को बताते थे और वो लोग सारे के सारे उसको कंपाइल करते थे उसको समझते थे उसको अपनी जिंदगी के अंदर इनकॉपरेट करते थे आज दीन किताबी शक्ल में रह गया है नबी वसल्लम की जिंदगी में दीन किताबी शक्ल में नहीं था किताब सिर्फ आती थी और किताब इसलिए आती थी कि वो तमाम अहकाम जिंदगी गुजारने का हिस्सा बन जाए जो अहकामा के जिंदगी गुजारने का हिस्सा बन जाते थे वो सब सुन्नत होते थे और जो चीज आपको नेकी की तरफ ले जाती थी बात करना सिखाती थी मसाइल बताती थी वो आदिश बन जाती थी तो अल्लाह की किताब जो है वो इन इनदी से किताब अल्लाह सबसे बड़ा जो अल्लाह का हुक्म है वो अल्लाह की किताब ही है वह खैर मोहम्मद और बेहतरीन इतबा जो है बेहतरीन उसकी एक्सप्लेन जो है रसुल्ला की जिंदगी है तो इनशा हम इस पर बात करते हैं हमारे साथ रहिए छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होते हैं नहमदूर रसोल करीम वेलकम बैक तो इंशाल्लाह आज हम जो अपने पहले प्रोग्राम के हिस्से में जो बात कर रहे हैं देखिए मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक पे ना हमें बहुत सारी बात करनी चाहिए आई डोंट नो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके कुछ यानी आपको पूरी डिटेल के साथ इन, इस इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँ बिकॉज ये देखिए बड़ी ख़तरे की बात है आज आप अगर माशाल्लाह अपने दीन पे कारबंद हैं कम अज़ कम जो मिनिमम बेंच मार्क है वो ईमान है हम जैसे कमजोर लोग जिनके पास अमाल भी नहीं है एक्चुअली और खुदा खास्ता ईमान पर भी कंप्रोमाइज कर लें उस ईमान पर जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें शरीय की शक्ल में दिया तो पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा तो इस चीज के ऊपर मैं समझता हूं कि इस इसमें मजीद प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि एक गुबराई का तूफान बदतमीजी आप नजर आता है मैं आप यकीन माने में हर इंसान दीन को अपने हिसाब से पेश करने की कोशिश कर रहा है दीन वही है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमें हमें दिया है दीन फकत वही है इन अजक हदीस किताब अल्लाह

कुछ क्लैरिटी आपको दीन के बारे में देके के जाना चाहता हूं ताकि जो लोग आजकल फितने की शक्ल में ये नए नए तजर्बे कर रहे हैं और नए नए कॉन्सेप्ट ला रहे हैं ये आपको समझना चाहिए नंबर वन इन अल्लाह पाक ने फरमाया सबसे पहली बार और मैं आप कुरान से पढ़ रहा हूं ताकि जो लोग कुरान के दावेदार हैं कि हमने कुरान पाक से दीन सीखना तो पर आप कुरान से ये सीखें कि हदीस और, और सुनना जो है वो इनकॉपरेटेड है दीन के अंदर कुरान का हिस्सा है कुरान का एक्सप्लेनेशन है इसका अमली तकाजा है मैंने जैसे आपसे कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हम जैसे मुसलमान नहीं थे जो हदीस को किताबों में रख के बैठे हुए थे और कुरान को शेल्फ में रख के बैठे हुए थे वो हर अल्लाह के लाए हुक्म को अपनी जिंदगी में उतार लेते थे अल्लाह के तरीके एक दीन नाम ही है अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीके पे अदा करना अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीके पे अदा करना दीन है अगर दीन नबी के तरीके पे नहीं अदा होगा वो दीन ही नहीं बचेगा इन अल्लाह के नबी अल्लाह के नबी ने जो जो हमें आज दीन सिखाया है वो वो दीन है जो उन्होंने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके बताया कुरान वही की शक्ल में आ गया उसकी एप्लीकेशन इम्प्लीमेंटेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुनना अपने अमल सुनना इस नबी का एक्ट हदीस नबी की स्पीच जो अल्लाह के रसूल ने बताई और ये इनएविटेबल है आप इसको अल्लाह के किताब से दूर नहीं कर सकते अल्लाह ने कहा अति अल्लाह की रसूल अल्ला की करो. जिसका मतलब कि की जरिए आप कहते हैं ना तो फिर अल्लाह के रसूल था। तो अल्ला की अल्लाह के रसूल की, अ, अल्ला की, की जो है वो अल्लाह के नबी की सुनत को फॉलो करना और सही हादीस जो मुतफिको करना यही हमारा दिन है और अल्लाह के रसूल ने हमें ये बता के गए कि जो असल दीन है इन उस दीन के अंदर कुरान पाक ये फरमाता है कि गैर दीन फला जो आदमी गैर गे, जो आदमी अल्लाह से हट के अल्लाह के दीन से हट के कोई चीज़ फॉलो करेगा वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी और वो शख्स क्यामत के दिन खसारा पाने वालों में से होगा इसका मतलब हम वही कर सकते हैं जो अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाया अल्लाह के हुक्मों को नबी के तरीके पे अदा करना अल्लाह के हुक्मों को नबी के तरीके पे नबी की सुन्नत पे अदा करना अल्लाह की कुरानी आयतों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के हिसाब से देखना कि आका ने इसकी कैसे एक्सप्लेनेशन दी अल्लाह के रसूल ने कैसे एक्सप्लेन किया जैसे मैंने आपसे कहा नमाज कुरान कम वे सात सौ मकाम पर नमाज पढ़ने को कुरान कहता है कुरान एक मकाम पर भी नहीं कहता नमाज कैसे पढ़ी जाए किस तरह पढ़ी जाए और मैंने पिछले इस, इस फर्स्ट जो जो हमारा हाफ था उससे मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया तो अल्लाह के नबी ने जो नमाज सिखाई अब उसकी क्या सिग्निफिकेंस है हर मिसाल के तौर पर आप नमाज से सीख लीजिए नमाज में हर रकत के अंदर एक रुकू दो सजदे होते हैं एक क्याम फिर उसके बाद रुकू फिर दो सजदे फिर उसकी इस तरह कायदा अगर आप बोलें कि तो अल्लाह की बड़ी महबूब इबादत है अगर आप बोलें कि तो अल्लाह को बहुत महबूब है और वाकई अल्लाह को सजदे में इंसान बहुत महबूब नजर आता है लेकिन अगर आप ये बोले कि नमाज में चूंकि अल्लाह को बहुत महबूब है तो मैं दो की जगह चार सजदे कर लूँ आपके चार सजदे से आपकी नमाज अगर आपने कसदन किए चार सजदे नमाज फासद सजदे जैसी इबादत भी अल्लाह को नाकबिल कबूल है अगर मोहम्मद मुस्तफा वसल्लम के तरीके से ज्यादा होगी सजदे जैसी इबादत भी अल्लाह के हां मनसूख नाकाबिल ना कबूल

नेमते कुरान तमाम हुई और दीना दीन इस्लाम चुन लिया अब ये ही वो शक्ल है जो कायमत तक बरकरार रहेगी अल्लाह की उलूवियत भी इसमें है अल्लाह की रबी की रसालत भी इसके अंदर है किस तरह से नबी की इतात करनी है नबी जो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते तिक अपनी तरफ से कोई बात नहीं करते मन हुआ वही बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से उनको वही होती है तो नबी अक्रम सतबा जो है वो सुन्नत और हदीस दोनों में इनकॉपरेटेड है अल्लाह के नबी का दीन नबी की जिंदगी में मुकम्मल हो गया अब कोई भी नई चीजें आप पैदा करने की कोशिश करेंगे वो उस दीन से खारिज नाकाबिल कबूल बल्कि गुमराह का सबब बनेगी जैसे कि अल्लाह के, अल्ला के नबी की हदीस मुकम्मल तौर पे पर बात साबित करती है कि इन आ, इन आ, इन हदीस किताब अल्लाह खरल हद मोहम्मद वो शर उ वो नई चीज़ें जो बिगाड़ बिगलाओगे वो शर पैदा करेंगी जो जिस दिन के अंदर नए नए कॉन्सेप्ट पैदा करोगे वरुमो बिदा बिकॉज हर वो नया नई चीज पैदा करना अपनी अपनी अटकल इस्तेमाल करके बिदाजा बिदा, वो गुमराई है बिदत है कुल लोग बेदाते हैं दोला और हर नया बिदत निकाला दीन के अंदर कॉन्सेप्ट निकालना कॉन्सेप्ट निकालना बिदत है अब इसके बारे में लोग बस अकल वाले ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि आप आप टीवी में जो बोल रहे हैं टीवी के अंदर जो आप बात कर रहे हैं वो, वो तो नबी वसलम की जिंदगी में नहीं था कैमरे के सामने आप नहीं बैठते थे आसान लाउड स्पीकर पे नहीं देते अल्लाह के बंदो ये तो आपकी दुनिया की ज्यादात है नबी सल्लाम ने अपना दीन फैलाने के लिए अपने बेस्ट मीन्स को इस्तेमाल किया बेस्ट पॉसिबल तो बेस्ट पॉसिबल मीन कैमरा बिदत नहीं है ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी है जो आपने पैदा की है इसका ताल्लुक तो दुनिया से है बिदत वो चीज है जो इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हो जाए या नई चीज को पैदा किया जाए एक ऐसी चीज को पैदा किया जा जाए जा जिसका कॉन्सेप्ट अल्लाह के नबी ने नहीं दिया जो जिसका तारीखा कुरने पाक ने नहीं बताया तो आप यह देखें कि नंबर वन नंबर वन आप यह समझे कुरान और हदीस कुरान के अंदर इनकॉपरेटेड है व आतील्ला रसूल अल्लाह की अतात अल्लाह के रसूल की में अतात इनकॉर्पोरेटेड है नंबर टू दीन के अंदर कोई नई चीज आप आप और मैं अपनी तरफ से नहीं निकाल सकते अल्लाह का दीन ये अल्लाह का मैनिफेस्टो है खल के खुदा को दिया गया है इसको फॉलो करना है हमने इसके अंदर हमने जिद्दतें नहीं निकालनी इसके अंदर हमने नए नई चीजें नहीं पैदा करनी ये फॉलो करने के लिए दिया गया अल्लाह का दीन फॉलो करने के लिए अल्लाह के नबी अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीके पे अदा करना फॉलो करना ये हमारे ऊपर की और दोनों चाहिए और तीसरी बात यह कि आका करीम सल्लम इस कायनात के अंदर कमोश एक लाख चौबीस हजार अंबिया और मुरसलीम में से आखिरी नबी है और आका करीम सलम की इस बात की दलालत कुरान देता है कि कि से किसी के बाप नहीं है क्योंकि लोग इसके अंदर भी शक पैदा करते हैं कि नबी अलग चीज है और रसूल अलग चीज है ये भी आप में आज आपको क्लियर कर दू रसूल वो होता है जो पूरा एक मैनिफेस्टो लेके आता है रसूल वो होता है जो पूरा जैसे ईसा अलैहिस्सलाम इंजील लेके आए मूसा अलैहिस्सलाम तौरात लेके आए दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर लेके आए मोहम्मद रसूल अल्लाहु अलैहि कुरान पाक लेके आए ये वो उन المرسلين में से हैं जिन जो पूरी की पूरी मैनिफेस्टो लाते हैं नबी उसी खबर को कंटिन्यूएशन करता है नबी उसी बात की कंटिन्यूएशन करता है हर रसूल हर नबी रसूल नहीं होता बट हर रसूल नबी होता है हर ये मेरी बात गौर से सुने फर्स्ट ऑफ ऑल रसूल अल्लाह का किताब के किताब लेके आता है एक मैनिफेस्टो अहकाम लेके आता है उसके अंदर कोई चीजें चेंज हो जाती हैं तो वो चेंज कर देता है ये रसूल होता है लेकिन हर रसूल नबी भी होता है हर नबी जो है आई डोंट नो लेट मी लेट मी इसको रिफ्रेश कर ताकि इस बात को आप समझे नंबर वन नंबर वन हर रसूल नबी भी होता है हर नबी रसूल नहीं होता ठीक है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूल अल्लाह के रसूल भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं अल्लाह के नबी भी हैं और अल्लाह के रसूल भी हैं फर्क नबी और रसूल में क्या होता है रसूल पूरी एक रसालत लेके आता है एक स्ट्रक्चर लेके आता है एक नई चीज लेके आता है दीन के अंदर भी नहीं उसके अंदर रिफॉर्म्स क्रिएट करता है नबी सिर्फ कंटिन्यूएशन करता है मोहम्मद रसूल अल्लाह रसूल भी हैं और नबी भी हैं हर नबी हर नबी रसूल नहीं होता लेकिन हर रसूल नबी होता है ईसा सलाम अल्लाह के रसूल थे नबी भी थे मूसा अल्लाह के रसूल थे नबी भी थे इब्राहिम रसूल थे नबी भी थे दाऊद अल्लाह के रसूल थे नबी भी थे मोहम्मद अल्लाह के रसूल भी हैं और नबी भी हैं और अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह कुरान में कह रहे उमा काना अब आदि रजाल मोहम्मद तुम ममा काना मोहम्मद आदि रजाल मोहम्मद तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है इनकी कोई नरीना अल्लाह ने जिंदा नहीं रखी वाला रसूल अल्लाह मगर ये फकत अल्लाह के रसूल है अल्लाह के रसूल है पूरी शरीयत लेकर वो कंटिन्यूशन के अंदर जो पॉसिबल पहले होता था कि एक नया नबी आके रसूल की रसालत को कंटिन्यू करता था अल्लाह ने उसको भी खत्म कर दिया अल्लाह अकबर इमेजिन इस आयत के अंदर क्या फलसफा छुपा हुआ है फकत अल्लाह के रसूल है और तमाम नबूतों के खत्म करने वाले हैं जिसका मतलब यह हुआ कि अब वो पुराने नबी जो नए रिफॉर्म्स भी क्रिएट करते थे रसूलों की रसालत के अंदर वो भी नहीं है इसके, उनको भी खत्म कर दिया उन्होंने तो इन आज के इस प्रोग्राम में अगर आज आपको यह समझ आ गई कि आती आतीसूल जो है उसमें अल्लाह के कुरान के साथ अल्लाह के नबी की सुन्नत और मुस्त अहादीत शामिल है तो यह आपको मैं समझता हूं कि मैंने टूटी फूटी कोशिश में इसका हक अदा कर दिया कोशिश करके इंशाला और दूसरी बात यह कि अल्लाह का दीन नबी की जिंदगी में मुकम्मल हो गया कुरान तमाम हो गया अब उसमें नई नई जिद्दतें आप और मैं नहीं पैदा कर सकते आपका और मेरा काम इस्लाम को फॉलो करना है और तीसरी बात यह कि अल्लाह के नबी अल्लाह के आखिरी रसूल और आखिरी नबी है